यदि इसका शनि से मिलन हुआ तो अनर्थ हो जाएगा महादेव। प्रारंभ होगा नहीं, हो चुका है नारायण उस योग का जो सृष्टि को नाश की ओर ले जाएगा। श्रापित योग, श्रापित योग, श्रापित योग, श्रापित योग। मैं सारी सृष्टि को साक्षी मानकर कहती हूं, ये आप ही का अंश है। प्रणिपात पिताश्री, तुम्हें भी यहां रुकने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारी माता मर चुकी है, मर चुकी है। तुम्हारा जन्म एक दुर्घटना थी, इसीलिए तुम्हारा अस्तित्व भी एक पाप है, एक लालची और चरित्रहीन स्त्री थी तुम्हारी माता छाया। देव, मैंने आपको पूरे सूर्यलोक में खोजा, आप यहां एकांत में। उस सभा के पश्चात आपने मुझसे एक शब्द तक नहीं कहा। देव, मैं जानती हूं मैंने अनजाने में आपको ठेस पहुंचाई, परंतु मैं क्या करती। देव, मैंने ये आपके लिए किया। जो तुमने किया वो भूल नहीं, अपराध था संज्ञा। मैं क्या करती देव, मैं विवश थी, आपका ताप सह नहीं पा रही थी और आपका साथ छोड़ना नहीं चाहती थी। मैं उचित अर्थों में आपकी अर्धांगिनी बनना चाहती थी देव। क्या ऐसा चाहना एक पत्नी का अपराध है? मेरी ओर देखिए देव और बताइए, एक पत्नी का अपने पति से और एक माता का अपनी संतान से दूर रहना क्या सरल है? मैंने ये सब कुछ आपको पाने के लिए किया देव। जब लौटी तो देखा मेरी छाया मेरे अस्तित्व का हरण करना चाहती थी, तो क्या मुझे क्रोध आना स्वाभाविक नहीं था देव? तुमने जो किया उसे उचित नहीं ठहरा जा सकता, परंतु तुम्हारा मंतव्य और तुम्हारे आंसू सच्चे हैं संज्ञा, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूं। और स्मरण रहे, छाया भले ही तुम्हारा प्रतिरूप थी, परंतु शनि मेरी संतान है, मेरा रक्त है, और जब वो वापस लौट आए उसके साथ पुत्रवत व्यवहार करना। शनि ना ही लौटे तो श्रेयस्कर है, क्योंकि मैं कभी उसकी माता नहीं बन पाऊंगी।
मूल्यवान रत्न है ये। माफ कर दो। जानते हो शनि, वो दुष्ट दिखने वाला व्यक्ति विकराल है। पाक लोग यहाँ मिलने वाले मूल्यवान रत्नों के लिए प्रसिद्ध है, परंतु दिन भर परिश्रम करने के पश्चात भी यहाँ के निवासी समृद्ध नहीं है, क्योंकि विकराल उनसे सब रत्न छीन लेता है और फिर ये रत्न देवलोक बेच देता है। देवताओं से मित्रता है इसकी, इसलिए कोई निवासी इसका विरोध नहीं कर पाता। शनि, तुम इनसे मत उलझना, इन्हें दंड मत दे देना। मेरी ना इनसे उलझने की कोई मंशा है और ना ही किसी से अब कोई मेरा संबंध है और ना ही मोह। क्या कर रहे हो तुम? इन रत्नों पर विकराल का अधिकार है, चले जाओ यहां से। परंतु ये रत्न तो मैंने कई और लोगों के पास भी देखे हैं। विकराल के अतिरिक्त ये रत्न यहाँ किसी के पास नहीं हो सकते मूर्ख। अवश्य उसने चुराए होंगे। किसने? मेरे शब्द तुम्हारे विचार बन जाएंगे। काको, उसी ने चुराए हैं। उसी ने चुराए होंगे। ऊपर के लाओ उसे। तुम ऐसे काकोल कौन है? जी मैं हूं, बताइए। छोड़ो मुझे। ये रहा काकोल। तेरा इतना दुस्ताहस विकराल के रत्न चुराने का? मैंने कोई रत्न चुराए नहीं है, विश्वास कीजिए मेरा। कैसे किया दुस्ताहस? चले मित्र, सहायता करो मित्र। तब तक दंडित करते रहो जब तक ये अपना अपराध स्वीकार न कर ले। मारो इसे।
दावा कर रहे थे। परिचय दो अपना। दृष्टि तो मेरी तुम पर पहले से ही थी, परंतु प्रतिक्रिया नहीं थी, क्योंकि तुमने कुछ बुरा नहीं किया। परंतु अब तुमने एक समस्या को जन्म दिया है, और दंड देने से पूर्व शनि सुधरने का एक अवसर अवश्य देता है। जो समस्या उत्पन्न की है उसे समाप्त करो। सहायता करो शनि। अन्यथा तुम्हारे समक्ष समस्या खड़ी है। नहीं दिया तुमने। मैं स्वर भानु, परंतु मित्र मुझे राहु कहकर भी पुकारते हैं। बहुत क्रोध भरा है तुम्हारे भीतर। ज्वाला यदि मन में सुलगती रहे तो मन को ही जलाती है मित्र। ज्वालामुखी बनकर इसे बाहर आने का मार्ग तो मित्र मार्ग पर तो तुम्हें आना होगा। जितना शीघ्र आओगे उतना ही श्रेष्ठ होगा। तुम कहते हो जो उचित मार्ग है वो तुम चुनोगे, परंतु मैं कहता हूं जो मार्ग तुम चुनोगे वही उचित मार्ग होगा। तुम मुझे राहु कहकर पुकार सकते हो। मुझे आभास हो रहा है कि हमारी मित्रता शीघ्र ही होने वाली है। मुझे ना मित्रों की आवश्यकता है और ना ही उनमें कोई रुचि। परंतु मेरी रुचि तो तुम में है मित्र। तुम एक लौते हो जो देवों को उचित मार्ग पर ला सकते हो। शांत मत बैठो, भस्म कर दो अपने क्रोध की अग्नि से इन देवों के कलुषित कर्मों को। मुझे किसी को सीख देने में कोई रुचि नहीं। उनके कर्मों का फल उन्हें स्वयं मिलेगा। यदि कर्मों का फल मिलना ही है तो क्या अंतर पड़ता है कि हम कौन सा मार्ग चुनते हैं? मुझे तो जो अच्छा लगता है वही सच्चा लगता है। तुम जो कोई भी हो बहुत भ्रमित हो, क्योंकि मन को अच्छा लगने वाला स्वयं के लिए किया जाता है, और जो सच्चा होता है वो संसार के लिए किया जाता है। और यदि उचित अनुचित में तुम अंतर ना देख सको तो तुम में और देवों में कोई अंतर नहीं। जानता हूं तुम देवों से भिन्न हो,
इसीलिए तो मित्रता का हाथ लेकर आया हूं तुम्हारे समक्ष। ये साथ तुम्हें तुम्हारी संपूर्ण शक्ति पाने में सहायता करेगा। कब तक दूर जाओगे शनि? राहु तुम्हारे पीछे है, और जब राहु किसी के पीछे पड़ जाता है तो किसी व्यक्ति का आगा पीछा नहीं देखता। राहु, विचित्र बात है देव, देव अपनी सारी शक्तियां लगाकर भी शनि को ढूंढ नहीं पा रहे, और आप भी मौन हैं। मुझे ही स्वयं कुछ करना होगा। मैं सूर्य लोक से सर्वश्रेष्ठ गुप्तचरों को भेजूंगा। ठहरो यम। ठहरो किस लिए इंद्रदेव? क्योंकि तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना शेष है यम। शत्रु को पकड़ने के लिए आवश्यक नहीं कि उसके पीछे जाया जाए। बुद्धिमानी इसी में कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाए कि वो स्वयं तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाए। आपका तात्पर्य क्या? घोषणा करवा दो कि जो भी शनि के विषय में सूचना देगा उसे जीवन भर ऐश्वर्य देना मेरा कार्य होगा। आ, 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 माता बहुत पीड़ा होती है। जब वो दुष्ट मुझ पे तुम्हारे मित्र पर प्रहार कर रहा था। मैंने तुम्हें सहायता के लिए पुकारा, परंतु फिर भी तुम नहीं आए, ऐसा क्यों? क्योंकि तुमने कहा था कि मैं उन दुष्टों से ना उलझू, परंतु शनि, तुम्हें तो कहीं चोट नहीं लगी ना पुत्र? लाओ औषधि लगा दो। नहीं, अब मुझे पीड़ा का अनुभव नहीं होता। अधिक चोट तो नहीं आई ना पुत्र? नहीं। ऐसे होते हैं मित्र कि जिनकी तुम सहायता करो और वो तुम पर प्रहार होते हुए देखते रहे, परंतु शुभ है कि तुम्हारा ये मित्र कायर है। कम से कम इसके कारण कोई संकट उत्पन्न नहीं होगा। नहीं बाबा, शनि कायर नहीं है, वो मैं उसकी आंखें देखकर कह सकती हूँ कि वो कायर नहीं, बस अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता। कुछ बहुत गहरा छिपा है इसके हृदय में। ये तो समय बताएगा
कि ये कायर है या वीर। कुछ समय ही तो शेष है इस सूर्य पुत्र के भीतर छिपे अंधकार के राक्षस को बाहर निकालने में। ओ राक्षस जो देवताओं का नाश कर देगा।